न्यूज एट 11 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला केस से चिंतित वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मामले में हस्तक्षेप करने, अविश्वास का वातावरण दूर करने की रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है। एसोचैम का कहना है कि उद्योगपतियों के खिलाफ आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मामले दर्ज करने से यह अविश्वास का माहौल बना है। उद्योगपतियों के संगठन ने कहा है कि इस तरह के माहौल से निवेश निर्णय लेने में और देरी होगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में एसोचैम ने कहा है कि हम ऐसी सिरोपतियों और रिटायर्ड नौकरशाहों के खिलाफ केवल धारणाओं और आधी अधूरी बातों के आधार पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह भी खत में लिखा गया है कि हमें डर है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान दूसरे उद्योगपतियों को भी मामले में घसीट सकती है। हालांकि अंत में इसमें कुछ गलत होने का कोई व्यापक सबूत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है, लेकिन इससे संबंधित उद्योगपति के सम्मान को काफी ठेस लग जाती है। ऐसे में एसोचैम ने खत लिखा है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उद्योगपतियों के खिलाफ आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मामले दर्ज करने से ये अविश्वास का माहौल है। आपको बता दें कि एसोचैम उद्योगपतियों का ही संगठन है जिन्होंने खत लिखा है प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह से बिना सही फैक्ट्स के आधी अधूरी जानकारी के मामला दर्ज उद्योगपतियों पर किया जाता है, जिससे जाहिर तौर पर उद्योगपति के निवेश करने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी और उससे सीधे सीधे जो असर है वो अर्थव्यवस्था पर होगा। और इसी से संबंधित खत एसोचैम ने पीएमओ को लिखा है। कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को नामजद किए जाने से एसोचैम चिंतित है और इसी संबंध में पीएमओ को खत लिखा है। मनीष कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पहले तो एसोचैम ने जो खत लिखा है इसका मतलब समझाइए, किस तरह की चिंता इसमें व्यक्त की गई है और कैसे ये चिंता व्यक्त करते हुए अर्थव्यवस्था को भी इन्होंने इसमें जोड़ा है। देखिए प्रीति, जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने मामला देखा कि कुमार मंगलम बिड़ला जो है आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन है, उनके खिलाफ जो है सीबीआई ने कोयला घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज की। अब उस एफआईआर के बाद पूरे उद्योग जगत में काफी रोष देखा गया सीबीआई के इस एक्शन के बाद। हालांकि हमने देखा शनिवार को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी जारी किया, जो कोयला आवंटन जो ब्लॉक्स उनको दिए गए, हिंडाल्को को जो उनकी कंपनी को दिए गए, उसको जायज ठहराया, सही ठहराया। लेकिन आज एसोचैम ने जो देश में उद्योगपतियों के खिलाफ एक वातावरण बन रहा है, उनमें जो रोष है उसको लेकर एसोचैम बिजनेस चैम्बर है, तमाम बिजनेस उद्योगपतियों को वो लीड करता है, सरकार से वो नेगोशिएट करता है, सरकार के पॉलिसियों पे बात करता है। और एसोचैम ने आज ओपन लेटर लिखा है और इसको अखबारों में इसको एक विज्ञापन के तौर पर इसको छापा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीति, ये जो है ये विज्ञापन है जिसमें एसोचैम ने ये विज्ञापन के तौर पर प्रधानमंत्री को ये खत लिखा गया है एसोचैम की ओर से, और जिसमें साफ कहा जा रहा है कि आधी अधूरी जानकारी के आधार पर जिस तरीके से देश के उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा, तो ये निश्चित तौर पर देश में जो औद्योगिक वातावरण, जो उद्योग निवेश के लिए जो वातावरण है उस पर असर पड़ रहा, और हाफ बेक्ड स्टोरीज उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही, तो इसको लेकर एसोचैम ने चिंता जताई है। जो जिस एनिमल स्पिरिट की बात की जा रही थी उद्योगपतियों में, तो उस स्पिरिट पे कहीं ना कहीं एक झटका लगा है, जिसका एसोचैम ने इस बात का याद दिलाया प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ कहा कि ना केवल उद्योगपति, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, देखिए जो भी पॉलिसी जो भी फैसले लिए गए वो ब्यूरोक्रेट्स ने लिए, और ब्यूरोक्रेट्स और सरकार ने लिए, सरकार की सहमति से ब्यूरोक्रेट्स ने लिए। अब उन ब्यूरोक्रेट्स जो कि रिटायर हो चुके हैं उसको सीबीआई टारगेट करे, और ये यही बात जो है एसोचैम ने इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री को लिखी। और इसमें कही गई है मनीष, इसमें लिखा हुआ है कि हमें डर है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान दूसरे उद्योगपतियों को भी मामले में घसीट सकती है, और साथ ही ये भी कहा है कि अंत में इसमें कुछ गलत होने का व्यापक सबूत नहीं मिलेगा सीबीआई को। लेकिन ये कैसे एसोचैम पहले ही तय कर ले रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है सीबीआई? जी देखिए प्रीति, ये बहुत अगर हम पिछले दो तीन सालों के इतिहास में जाएं तो आप देखिए 2G घोटाले को लेकर जिस तरीके से कई उद्योगपति जो है वो टारगेट हो रहे हैं। अब हमने देखा कि नीरा राडिया का जो टेप है वो भी शायद वो अब स्क्रूटनी पे आ चुका है, जिसमें माना जा रहा है कि कई उद्योगपति उसमें शायद लपेटे में आ सकते हैं। और अब क्योंकि कोयला घोटाला जिसमें कई उद्योगपति सीबीआई के रडार पे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा, और अब कुमार मंगलम के बिड़ला के खिलाफ एफआईआर में उनका नाम शामिल किया गया है, तो इन
इन्वेस्टिगेशन, अब जबकि एक तरफ देखिए कि पीएमओ जो है वो क्लैरिफाई कर रहा कि आवंटन जो उनको जो कोल ब्लॉक दिया गया उनकी कंपनी को उसको प्रधानमंत्री कार्यालय सही ठहरा रहा, तो इसी आधार पर एसोचैम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शायद आधी अधूरी बातों के आधार पर इन उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा और सरकार जो भी देश के संसाधन है उस पर ना केवल, देखिए एसोचैम ये भी ये बात कह रहा है कि देश के जो संसाधन है चाहे वो खनिज पदार्थ हो, जो भी कोला ब्लॉक हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, जो भी हो, उसमें ना केवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसयूज बल्कि जो निजी उद्योगपति उनका भी अधिकार बनता है। तो ये ऐसा नहीं कि केवल पीएसयूज के लिए सरकार काम कर रही चाहे कोई मुख्यमंत्री काम कर रहा है, ये भी बात एसोचैम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। तो जाहिर तौर पर एसोचैम, आप देखिए पिछले कई महीनों से हम इस बात की चर्चा सुन रहे हैं कि देश के उद्योगपति जो है वो विदेशों में निवेश करना ज्यादा सही इस वक्त मान रहे हैं जो देश में मौजूदा आर्थिक हालात है उनको लग रहा है। मनीष एक बात और समझाइए जरा, इसमें एक बात और लिखी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ है श्रीमान हमें डर है कि अगर ये अविश्वास का माहौल इसी तरह जारी रहता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रभावित होगी। क्या ये एसोचैम उद्योगपतियों के बिहाफ पर एक चेतावनी पीएमओ को इस खत में दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह से परेशान करेंगे या फिर इस तरह से आधी अधूरी जानकारी के आधार पर नामजद शिकायत उनके खिलाफ दर्ज होगी तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था सीधे सीधे प्रभावित होगी, ये क्या चेतावनी है इस खत में? बिल्कुल प्रीति, आप देखिए पिछले दिनों कई, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक मैगजीन टाइम मैगजीन की बात करें, चाहे कई सारे अखबारों ने, फॉरेन अखबारों ने, जो इकोनॉमिक जो अखबारें हैं उन्होंने इस बात को लेकर इशारा किया। साथ ही साथ पिछले दिनों हमने देखा कि दीपक पारिक सरीके कई उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी है कि देश के उद्योगपति जो है वो अब विदेश में निवेश करना ज्यादा माकूल समझ रहे हैं बनिस्पत की देश में वो निवेश करें, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय है चाहे तमाम मंत्रालय है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पिछले कई सालों से लंबित पड़े हैं, उन प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट जो है वो कहां से कहां चले गए, उनको कोयला ब्लॉक नहीं मिल रहा, अगर पावर प्लांट बना हुआ तो कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया कि वहां से ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो। तो जाहिर तौर पर उद्योगपति बेहद निराश है और इसी बात को याद जो है सोचा दिला रहा है उद्योग प्रधानमंत्री को कि यही स्थिति जारी रही तो स्वाभाविक है कि निवेशक जो है